हेलो एवरीवन, चेमाता दी मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल में आप लोगों का। और मैं नीतू कुमार, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं बात करने वाली हूँ डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम के बारे में बात करने वाली हूँ। अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो आज इस वीडियो में देखिए। जिसको भी दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम है या फिर स्किन में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो रहा है, किसी टाइप का भी खुजली वगैरह, किसी टाइप की भी एलर्जी वगैरह हो रही है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना, वीडियो पूरा देखना। क्योंकि ऐसे ही आप लोग खरीद के मत लेके आइएगा कि कोई भी क्रीम के बारे में हम अक्सर बता देते हैं तो ये मत सोचिएगा ये क्रीम अच्छी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पूरा डिटेल्स के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी किस तरीके से आप लोगों को खरीदना है, किस तरीके से यूज करना है, किन बातों का ध्यान देना है, ठीक है। और खरीदने से पहले आप लोगों को डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, जो भी स्किन में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, बॉडी में कहीं पर भी होता है, तो स्किन वाले डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। वैसे तो डॉक्टर काफ़ी अनेक प्रकार के डॉक्टर होते हैं, पर आपको स्किन वाले डॉक्टर से जानकारी लेके फिर बाद में कोई भी क्रीम्स हो, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, किसी तरीके का भी हो, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेकर ही खरीदना है। तो बात कर रही हूँ मैं डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम के बारे में बात कर रही हूँ कि डर्मिकेम होती है वो किस तरीके की होती है। तो मैं आपको दिखाते जा रही हूँ कि इस तरीके की डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम होती है वो दांत खाज खुजली के लिए यूज़ किया जाता है। और डॉक्टर भी इसको जब अपने बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, एलर्जी वगैरह हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, तब ये क्रीम लिख के देते हैं, ठीक है। तो जाने कि इसमें 15 ग्राम से क्रीम आती है, इसमें ये डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम है उसमें 15 ग्राम आती है, और इसकी प्राइस है 77 रुपीज़ है, और हर मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। इस क्रीम को बनाने वाली कंपनी है एल्कम कंपनी है। सारे मेडिसिन भी आते हैं एल्कम कंपनी द्वारा, बहुत सारे मेडिसिन भी आते हैं, तो ये कंपनी द्वारा बनाई गई है। और डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम है ना, वो उसमें थ्री कंपोजिशन कौन कौन से है, तो क्लोबिटासोल है, नियोमाइसिन है और मिकोना जोल है, थ्री कंपोजिशन। तो इनका वर्क क्या है, अपने जब इसमें फॉर्मूले है जो भी इसमें डाले हुए हैं वो किस तरीके से वर्क करता है अपनी स्किन पे। अब मैंने बताया आपको ये दांत खाज खुजली के लिए यूज करने वाली क्रीम है, तो क्यों यूज करने वाली है? कुछ लोग इसको पिंपल्स पे भी यूज करते हैं, कुछ लोग इसको छाइयों पे भी यूज करते हैं, जो मतलब वीडियोज है, फेक वीडियोज है, चाहे कैसे भी वीडियोज है मुझे नहीं पता, पर जो भी वीडियोज है अब मैं बताऊंगी कि आप इसको पिंपल्स पे भी लगा लीजिएगा। तो आप लोग वीडियोज देखें और आप लोग जरूर लगाओगे, पर ये नहीं सोचोगे कि ये पिंपल्स के लिए क्यों यूजफुल है, ठीक है। तो हमें ये सब जानना है, दांत खुजली के लिए मैंने बताई आपको तो क्यों जरूरी है, ये भी तो जानना जरूरी है कि इसमें ऐसा क्या डाला हुआ है जो कि अपना वर्क करेगा दांत खाज खुजली में, तो वो मैं सब जानकारी देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में देख लिए कि ये दांत खाज खुजली के लिए ही बताएगी तो अपन इसको बस इतना देखे और चलिए बाहर चलते हैं, लेकिन नहीं, इसमें कौन से कंपोजिशन है, किस तरीके से वर्क करता है वो भी बताने वाली हूँ। डाले हुए कितने परसेंट डाले हुए हैं इस क्रीम में, तो क्लोबिटासोल डाला हुआ है 0.05% डाला हुआ है, और नियोमाइसिन डाला हुआ है इसमें 0.5% डाला हुआ है, और इसमें डाला हुआ है मिकोना जोल आईपी है जो कि 2% डाला हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या डाला हुआ है, तो कलोरो क्रेसोल डाला हुआ है इसमें, तो 0.1% इसमें डाला हुआ है। तो इनका ये परसेंट इतने परसेंट डाले हुए हैं और किस तरीके से वर्क करता है, तो क्लोबिटासोल रहता है ना वो किस तरीके से वर्क करता है अपनी स्किन पे, इसमें ये डाला हुआ है तो किस तरीके। क्लोबिटासोल होता है क्रोटिकोरॉयड है जो कि अपना स्किन पे क्या वर्क करता है, जब हमारी दांत खाज खुजली, एक्जिमा या फिर सूजन, किसी प्रकार से रेडनेस या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है पैरों की अंगुलियों के बीच में जो खुजली वगैरह चलती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको खत्म करने के लिए, उसके उपचार के लिए क्लोबिटासोल का यूज किया जाता है। बहुत अच्छा होता है क्लोबिटासोल, क्या करता है अपनी स्किन, इन्फेक्शन हो जाता है कहीं पे भी, रेडनेस या फिर सूजन, खुजली, एक्जिमा जो भी मैंने बताई उसके लिए बहुत यूजफुल है क्लोबिटासोल। तो ये सब का वर्क क्या है, खुजली इन्फेक्शन के लिए ही बहुत अच्छा है। नियोमाइसिन क्या है, नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, वो क्या वर्क करता है अपनी स्किन पे, जब भी ये वर्क करता है जब भी हमारी खुजली, इन्फेक्शन वगैरह, किस तरीके से हमें इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे टांगों के बीच में भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है कहीं भी गर्दन के आसपास या फिर कहीं पे भी आपको खुजली चल रही है या फिर रेडनेस हो रही है, ये सब वर्क किसका भी है, ठीक है। हाथों की उंगली के बीच खुजली चलना, फिर कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन हो, ठीक है, कहीं पे भी मतलब बॉडी में कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन हो, उसके लिए नियोमाइसिन का वर्क है। और अब तो मिकोनाजोल का वर्क जानेंगे, तो मिकोनाजोल का भी यही वर्क है, तो तीनों का वर्क यही है कि दांत खाज खुजली को, एक्जिमा वगैरह जो भी इन्फेक्शन है अपने बॉडी में कहीं पे भी, तो उसको खत्म करता है। ये डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम यूज कर रहे हो तो आपको दांत खाज खुजली, एक्जिमा या फिर बॉडी में कहीं पे भी आपको खुजली, इन्फेक्शन वगैरह हो रही है, कहीं पे भी आपको नींद भी नहीं आ रही, ऐसी खुजली हो रही है, खोरते जा रहे हो, रेडनेस हो रही है, बारे बारे लाल चकित हो जाते हैं, राउंड वाले वो हो रहे हैं या फिर रेड रेड से दाने हो रहे हैं शरीर में कहीं पे भी आपको, तो आप उस जगह पे आप इसको डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम होती है उसका यूज कर सकते हो। तो कुछ लोगों का कहना है कि इसको हम पिंपल्स में भी यूज कर सकते हो, तो पिंपल्स में आप इसका यूज नहीं कर सकते,
आपको मोटे पिंपल्स हो रहे हैं, उसमें काफ़ी खुजली वगैरह चल रही है या फिर किसी तरीके से सूजन वगैरह आ रही है, तो आप उस जगह पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन फेस पे आप इस डर्मिकेम ओसी प्लस क्रीम का यूज ना करें। अगर यूज करना है तो डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, फिर बाद में यूज करिएगा, पर मैं नहीं बताऊँगी आपको कि इस क्रीम को आप यूज करोगे, तो यूज करने के लिए मैं नहीं बता सकती फेस पे। अगर फेस पे आपको इचिंग वगैरह हो रही है इस साइड में, इधर मतलब आंखों के आसपास नहीं, आपको इस साइड में आपके गाल के इस साइड में अगर इचिंग वगैरह हो रही है किस तरीके से, तब आप इस क्रीम का थोड़ा सा यूज कर सकते हो। ऐसे नहीं कि पूरे फेस पे यूज कर लिए, पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करनी है। तो प्लीज़ मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आपको दांत खज खुजली बॉडी में कहीं पे भी आपको इन्फेक्शन हो रही है, जांघों के बीच में कहीं पे भी हो रही है, तो आप इस क्रीम का यूज कर सकते हो। वरना आपको पिंपल्स मतलब पिंपल्स हो रहे हैं फेस पे तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना, और कहीं पे भी आपको फोड़े फुंसी हो रही है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन फेस पे आप बिल्कुल नहीं यूज करिएगा। किस तरीके से यूज करना है वो भी बता देती हूँ, तो किस तरीके से यूज करना है वो बता देती हूँ। पहले क्या करना है, जब भी आप इस क्रीम का यूज कर रहे हो तो आप उस जगह को स्किन को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, गर्म पानी से गुनगुना पानी लीजिएगा या फिर डिटॉल की मदद से उस जगह को क्लीन करके अच्छे से ड्राई होने दीजिएगा, फिर बाद में इस क्रीम का यूज करिएगा, अप्लाई कीजिएगा। कब यूज करना है, दिन में करना है कि नाइट में करना है? अगर दिन में भी आप इसका यूज कर सकते हो, दिन में दो बार यूज कर सकते हो, नाइट में भी वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर दिन में आप इसका यूज कर रहे हो तो प्लीज़ धूल मिट्टी में मत घूमिएगा, बाहर मत जाइएगा, जिससे क्या है कि धूल मिट्टी आपको चिपक जाएगी और आपके इन्फेक्शन और भी ज़्यादा फैल जाएगा। तो आपको अगर इस क्रीम को लगा रहे हो तो आपको धूल मिट्टी में नहीं जाना, इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। और जब भी इस क्रीम का यूज करो, अप्लाई करने के बाद हैंड वॉश कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपके और छोटे बच्चों को नहीं देना है, क्योंकि छोटे बच्चों को आप इस ट्यूब दे दोगे तो उनको वो खोल के ओपन करके और भी मतलब निकाल के कहीं पर भी लगा सकते हैं, उनको प्रॉब्लम की। छोटे बच्चे से दूर रखिएगा, आँख नाक मुँह से बचाइएगा इस क्रीम को, और धूप वाली जगह पर मत रखिएगा इस ट्यूब को। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, अक्सर आपको ध्यान में रखना चाहिए आपको, ये सब छोटी बातें होती है अक्सर आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये सब बातें होगी। अगर आपको इस तरीके की इन्फेक्शन हो रही है, कहीं पे भी आपको बॉडी में इन्फेक्शन हो रही है, खुजली चल रही है, ठीक है, रेड से दाने हो रहे हैं, तो प्लीज़ आपके कपड़े मतलब दिन में दो बार नहाइएगा, साफ़ सुथरे रहिएगा, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिएगा। ऐसे नहीं कि मेले कपड़े ही दूसरे दिन भी पहन लिए, तीसरे दिन भी वही कपड़े पहन लिए, ऐसे इन बातों का आपको ध्यान रखना है। साफ़ सुथरे कपड़े पहने और दूसरों को अपने कपड़े नहीं देना है पहनने के लिए, और अपने बिस्तर अलग रखिए, और मतलब जो भी अपने जो ध्यान रख सकते हो ना उतना ध्यान रखिएगा अपना, और जो अपना साबुन रहता है वो अलग रखिएगा, क्योंकि परिवार में किसी को भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। जानेंगे इसके साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट इतना ही है, जब भी आप इस क्रीम को लगा रहे हो, यूज कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद आपको किस तरीके की जलन या फिर खुजली या फिर लाल लाल हो गया है उस जगह पे, या फिर किसी पतली चमड़ी या फिर सूखापन इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस क्रीम को लगाना बंद कर दीजिएगा और डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, ठीक है। ये सब फुल जानकारी आपको मैं दे दी, और एक चीज़ और बता दूँ आपको लास्ट में, कि इस क्रीम को लगाते रहोगे तब तक आपको अच्छी मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, या फिर इस क्रीम को लगाने के बाद छोड़ दोगे तो आपको जैसे आपकी इचिंग वगैरह खुजली वगैरह जो हो रही है वो फिर से हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए ही आपके लिए ये ख़त्म होगी और कुछ टाइम के बाद आपको फिर से हो जाएगी, क्योंकि किसी किसी की स्किन में ऐसे देखने को मिलता है। तो ऐसे प्रोडक्ट खरीदो तो उससे पहले डॉक्टर की इसे पूछताछ कीजिएगा, फिर बाद में खरीदेगा, ऐसे मत खरीदेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप इस वीडियो के जरिए आपको कुछ जानकारी मिली हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, जिन्होंने वॉच किया इस वीडियो को उनको बहुत बहुत थैंक यू।